हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अगला सन अभी हम बात करेंगे इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2021 के रिगार्डिंग शायद आपने से काफ़ी को इसके बारे में पता भी होगा इंडियन आर्मी में जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है उसके बाद कैंडिडेट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ज्वाइन करते हैं इसलिए आप लोग इसको इंडियन आर्मी बी नर्सिंग ट्वेंटी या फिर एम एन के नाम से जानते हैं तो अभी जो आने वाला जो एडमिशन सेशन है इसका उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो सेवनटीन्थ फेब से स्टार्ट हो रही है एंड अभी अभी इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है इसके बारे में हमने अगला सेम पे अपडेट कर दिया है आई जस्ट बी यू नो गोइंग थ्रू व्हाट दिस इज व्हाट आर द डेट्स इस ये एग्ज़ाम में होता क्या है आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड ब्रोशर में जो भी आया है वो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देती हूँ सो इफ यू गो ऑन अ पेज यू गेट द डाउनलोड ब्रोशर लिंक क्लिकिंग दैट कम टू द ब्रोशर विच आई हैवेयर इन फ्रंट ऑफ मी तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है सो इफ यू आर मेल कैंडिडेट ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू अपेयर इन दिस एग्ज़ाम ये जो एग्ज़ाम है ये फोर इयर्स बीएससी नर्सिंग कोर्सेज जो कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज है उसके एडमिशन के लिए होता है तो अगर आपका टारगेट इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है एज अ नर्स एंड टू एक्चुअली यू नो हैव अ करियर इन नर्सिंग दैन दिस इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम अपॉर्चुनिटी फॉर यू

तो जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइड पर जाके भी आप देख सकते हैं और तो इस ब्रोशर में भी अवेलेबल है अब जो सबसे पहली बात आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि जब आपका फाइनल ईयर हो जाता है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग तो आपको ऑटोमेटिकली ऑफर आता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने का दिस इज अ वेरी एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी एंड इवन आफ्टर द कमीशन एंड a लॉट ऑफ पीपल एक्सटेंड द सर्विसेज तो वो भी ऑप्शन आपके पास होता है जो भी आपके सीनियोरिटी ऑफ सर्विसेज होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज ऑफ नर्सिंग से पास आउट होते हैं हर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एक टेंटेटिव डिक्लेरेशन डेट भी होता है जैसे कि पुणे में 40 सीट्स हैं और उसमें जो रिजल्ट आते हैं वो अगस्त के मंथ में आते हैं कोलकाता में 30 सीट्स है उसमें सेप्टेम्बर अक्टूबर में रिजल्ट आता है आई अश्विनी में फोर्टी सीट्स है और उसमें ऑगस्ट में रिजल्ट आते हैं जो आपके न्यू दिल्ली वाला जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें थर्टी सीट्स है लखनऊ में फोर्टी सीट्स है बैंगलोर में फोर्टी सीट्स है तो टोटल जो है टू ट्वेंटी सीट्स के लिए कंपटीशन होता है नाउ यू शुड नो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट कि ऐसी क्या क्या कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी है तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया सेकेंडली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फर्स्ट अक्टूबर 1996 और 30 सितंबर 2004 के बीच में आना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए आप में से काफी लोग अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे तो इवन यू आर एलिजिबल अब ट्वेल्थ में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए एंड आपके पास इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आपका जो मिनिमम स्कोर है वो फिफ्टी परसेंट होना चाहिए एंड यू शुड बी रेगुलर स्टूडेंट अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए नॉट जस्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बट ऑल्सो योर फिजनल फिजिकल स्टैंडर्ड्स शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी इस पर्टिकुलर कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है एक्स्ट्रा एग्जाम होता है चेस्ट एंड ऑफ यूएसम एंड पेल्विस होता है जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो 152 सेंटीमीटर है दो बिलोंगिंग टू गोरखास एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन गढ़वालन कुमाऊ उनका हाइट अगर 148 सेंटीमीटर है तो उनको भी एक्सेप्ट किया जाएगा ये बस बेसिक कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका एडमिशन किसके बेसिस पे होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि 150 मार्क्स का होगा डेढ़ घंटे का पेपर है ये जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा अभी इसकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं आई है बट इतना बताया गया है कि अप्रैल में आपका पेपर है जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा अप्रैल में मोस्ट प्रॉबली तभी आपको एग्जाम डेट का एग्जैक्ट पता चलेगा सो फर्स्ट थिंग यू शुड नोटिस कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा बेसिकली वेन बी से ऑनलाइन इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश से 50 होंगे जनरल इंटेलिजेंस से एंड 50 होंगे साइंस से जिसमें कि बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अगर आप और किसी भी बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इनफैक्ट जो नीट के एस्पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई करना मतलब आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर इट बिकॉज लाइक एस इट्स अ वेरी एक्सलेंट करियर अपॉर्चुनिटी एंड अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे इसके बारे में कोरा में अगर आप थोड़े से थ्रेड्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इट्स अ प्रटी पॉपुलर कोर्स Uh, तो आप नीट के साथ साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं उसके अलावा जो नीट का जो सिलेबस है उसके अलावा आपको इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस आप पढ़ ले तो चल जाएगा इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग गुड थिंग बिकॉज अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है देन ऑल्सो यू कैन यू नो गो एड एंड मार्क इट बैड थिंग्स क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स है जो थोड़ा बहुत तुक्का मार के मे बी यू नो दे गट अ राइट आंसर एंड यू डिड नॉट सो लक फैक्टर वहाँ पे आ जाता है बट हाँ आई वुड से दैट हैविंग नो नेगेटिव मार्किंग इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव दैन अ बैड थिंग एंड ये भी बताया गया है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है वो मल्टीपल डेज में या शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन अडॉप्ट करा जाएगा नेक्स्ट आफ्टर द एग्ज़ाम देर बी एन इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन वही होगा जिसमें कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स और उसके बारे में चेक करा जाएगा जहाँ तक इंटरव्यू की बात आती है तो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए यू नो यू शुड हैव अ अर्टन मेंटल एप्टीट्यूड अ सर्टन बेंट ऑफ माइंड सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कि एक मिलिट्री सेटअप में फिट हो पाते हैं तो उस चीज़ को बस चेक करने के लिए एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है इफ़ यू आर यू नो ऑनेट इन द इंटरव्यू एंड यू आर कॉन्फिडेंट एंड नो यू डूटल बिट ऑफ रिसर्च बिफोर गोइंग इट वी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक रिजर्वेशन की बात करें तो एस सी एस टी कैंडिडेट्स एंड एन सी सी प्रोजेसिंग कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है जो एग्जाम सेंटर होंगे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी प्लीज़ नोट कि जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे होगा जिसका मतलब ये है कि अगर आज एप्लीकेशन का फ़र्स्ट डेट है एंड आपने आज एक सेंटर के लिए अप्लाई करा है तो आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस है जो बच्चा लास्ट डेट पे अप्लाई करेगा उसको वो सेंटर मिलने के कम चांसेस है क्योंकि तब तक शायद वो सिटी भर चुकी होगी तो इट इज़ बेटर दैट इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम अप्लाई फर्स्ट आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की देखिए हाउ टू अप्लाई पे विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जैसे ही फॉर्म कल से स्टार्ट होता है या अगर आप इस आज इस वीडियो को देख रहे जब फॉर्म तो आ चुका है तो आप हमारे चैनल पे जाइए एंड लुक एट द हाउ टू अप्लाई वीडियो फॉर दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द हाउ टू अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप आपको ऑनलाइन स्क्रीन के साथ अभी मैं बता देती हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम फी है वो सेवन है विच इज़ अ प्रटी नॉमिनल फ़ी एंड दिस इज़ सेम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आप एक बार अप्लाई कर देंगे उसके बाद अप्रैल में आपको आपके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे एडमिट कार्ड के लिए आपको फिर से ऑनलाइन आना पड़ेगा फॉर दैट ऑल्सो यू कैन स्टेट यू टू अगला सेम दैट इज मोर लेस इट इसके अलावा इस ब्रोशर में और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है एक कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दिया गया है बट द थिंग इज़ की अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स बेटर दट यू गो एंड डाउनलोड द ब्रोशर आइट नाउ एंड जैसे फॉर्म स्टार्ट होता है आप एक बार हमारा हाउ टू अपलाई का वीडियो देख लेना एंड देन जस्ट अपलाई फॉर इट एंड यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द एग्जाम आस्क एन कमेंट्स बिलो और गो टू द वेबसाइट एंड इन द कमेंट सेल्सो यू कैन आस्क यूअर क्वेश्चन एंड दट्स इट दैन आई होप यू लाइक द वीडियो इफ दिस हेल्प्ड यू इन एनी वी प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बाय